क्या नाम है सर आपका? सर आज जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की किस सिलसिले सर प्रोग्राम रखा गया आज का? प्रोग्राम का आयोजन किया गया है मुलायम सिंह जी ब्रिगेड के शानदार प्रभारी जो आज बरेली आए हुए हैं समीक्षा के लिए, मुलायम सिंह जी ब्रिगेड के संगठन की समीक्षा के लिए आज आए हुए प्रभारी जी, उनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम यूथ ब्रिगेड के साथियों ने आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया है और ये तय कर लिया है कि इस प्रदेश की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम हम तमाम युवा साथी करेंगे। और इस प्रदेश में जिस तरीके से आज गुंडाराज, जिस तरीके से हो रहा महिलाओं पे उत्पीड़न, किसानों पर जो जुल्म दास्ती की जा रही है, वो हम और आपसे किसी की छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी तमाम युवा संघर्ष के आदि हैं, संघर्ष करना जानते हैं और तमाम उन लोगों को उनके हक हकूक दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करना जानते हैं, जो कि हम सभी तमाम समाजवादी साथियों ने संकल्प लिया है कि हर किसी का साथ सहयोग हम नौजवान लोग यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। और इस प्रदेश में आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से खुशहाली, तरक्की, रोजगार 2022 में आएगा। और इसके साथ साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिस तरीके से पूरे प्रदेश में काम कर रही है, उससे लगातार युवा प्रभावित होकर के पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी का काफिला बढ़ता चला जा रहा है और ये काफिला जब तक नहीं रुकेगा जब तक समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन जाती। क्या नाम सर आपका? अजीत प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव हूँ मुलायम सिंह। सर आज आप बरेली आए हैं तो सर आप क्या आगे कार्य के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? मुझको प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है कार्यक्रम समीक्षा करने के लिए। संगठन की समीक्षा हर बूथ पर 10 यूथ खड़ा करने के लिए संगठन की समीक्षा, इसके लिए मुझे भेजा गया है। सरकार कैसे बने नौजवानों के बीच में जा कर के सरकार बनाने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ आए। सर आगे की रणनीति में आप जो युवा लोगों का संग ले रहे हैं और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, इनको आप सर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? जो लोग जुड़ रहे हैं अभी, तमाम लोग भाजपा छोड़ करके शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जनता उब चुकी है, नौजवान उब चुका है, वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। हम उनको गाइडलाइन यही देने आए हैं कि वो हमारे साथ आज आए हैं, उनका सम्मान होगा और आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका उचित मूल्य मिलेगा, इसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं। और बरेली में 9 विधानसभा जिताने का संकल्प लेकर के हम लोग आए हैं। आज बरेली का नौजवान इस कार्यालय में सब मौजूद है और समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी नौजवानों पर बहुत भरोसा जताते हैं और उस भरोसे को लेकर के हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर पर हमको ऐसा लगा है यहाँ कि बरेली का नौजवान आज समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को जिता करके और सरकार बनाने का काम।